हाय दोस्तों, कैसे हो। अगर मैं 2021 में बात करूं कि बजट सेगमेंट में किस ब्रांड ने एकदम धमाका मचाया है, तो दैट विल डेफिनेटली बी टेक्नो। टेक्नो ने इस साल टेक्नो स्पार्क 7, टेक्नो कैमन 17 एंड टेक्नो पोवा 2 जैसे बढ़िया बजट फोन्स निकाले। एंड फाइनली 2021 ख़त्म होने से पहले आई हैव द टेक्नो स्पार्क 8T इन द हाउस। ये आपको अराउंड 8,999 के प्राइस पर मिलता है, और आपको क्या क्या मिलने वाला है इसमें इस प्राइस पर, ये जानने के लिए हमारा आज का टेक्नो स्पार्क 8T का फर्स्ट इंप्रेशंस एंड तक जरूर देखें। और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा वो 5 रीजंस जो टेक्नो स्पार्क 8T को वन ऑफ द बेस्ट फोन्स बनाते हैं अंडर द प्राइस टैग ऑफ ₹10,000। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रीजन, जो कि है इसका 50 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन कैमरा। यहाँ पर काफी लोग बहुत टाइम से वॉन्डर कर रहे थे यार, कब अंडर द प्राइस टैग ऑफ 10,000 आपको एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा सेंसर मिलेगा। तो यहाँ पर टेक्नो ने आपकी प्रेयर्स को एक जवाब दे दिया है विद द टेक्नो स्पार्क 8T। यू गेट अ 50 मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन सेंसर, एंड सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको एक f-stop 1.6 एपर्चर साइज का लेंस देखने को मिलता है टू टेक ब्रिलियंट शॉट्स। अब यहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे होंगे ऐसे, तो इसीलिए मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल्स दिखा देता हूँ, लाइव अपनी आंखों से देखो कि क्या बढ़िया कैमरा शॉट्स निकाल के देता है टेक्नो स्पार्क 8T अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में। एंड दैट्स नॉट इट, कैमरा सेंसर ही बढ़िया नहीं है, यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन भी बहुत बढ़िया दिया गया है, जिससे कि जो ओवरऑल लुक्स हैं वो टेक्नो स्पार्क 8T के काफ़ी बढ़िया निकल के आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड रीजन की। यहाँ पर अगर मैं बजट सेगमेंट की बात करूँ, तो नॉट मेनी फोन्स कम विद अ फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले। इनफैक्ट कई फोन्स के डिस्प्ले तो बहुत ही ज़्यादा लो ब्राइटनेस वाले होते हैं, और बिल्कुल ऐसे मनसा ही नहीं करता उनको देखने का, विच इज़ वाई मैं यहाँ पर रेकमेंड करूँगा आपको टेक्नो स्पार्क 8T, जिसमें आपको एट द प्राइस टैग ऑफ ₹8,999 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी सही है। एट दिस प्राइस पॉइंट मैं इसको काफ़ी अप्रिशिएट करूंगा। हाँ, ये वन ऑफ द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले तो नहीं है इस प्राइस रेंज में, बट अगर मैं कैजुअल व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो काफ़ी बढ़िया रहता है। साथ ही में यहाँ पर आपको एक वी शेप्ड डॉट नॉच देखने को मिलता है, बट ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी इज प्रिटी गुड। नाउ द थर्ड रीजन, अगर मैं बात करूं बैटरी लाइफ की, तो 5000 mAh की बैटरी ऑलमोस्ट कॉमन हो गई है मोस्ट ऑफ द मिड रेंज एंड बजट स्मार्टफोन्स में, बट स्टिल आई एम नोटिसिंग कि इतने ज़्यादा स्मार्टफोन्स में अंडर द प्राइस टैग ऑफ 10,000 5000 mAh की बैटरी कुछ ब्रांड्स नहीं देते हैं, बट टेक्नो स्पार्क 8T यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड करता है। एंड दैट्स नॉट अबाउट इट, सिर्फ बैटरी कैपेसिटी ही बढ़िया नहीं है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मल्टीपल बैटरी ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप डे टू डे लाइफ में इसकी बैटरी लाइफ को और इम्प्रूव कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी एंड्रॉयड 12 का अपडेट नहीं आया है टेक्नो के किसी भी फोन में, बट आई एम श्योर यहाँ पर टेक्नो इज वर्किंग हार्ड ऑन ब्रिंगिंग मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स टू ऑल ऑफ देयर बजट सेगमेंट डिवाइसेस। तो दोस्तों, अभी तक आपको टेक्नो स्पार्क 8T कैसा लग रहा है मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको क्या लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स है अंडर द प्राइस टैग ऑफ ₹10,000, ये भी मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें, एंड मेक श्योर अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे रेड सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अब जो फोर्थ रीज़न है, आई एम श्योर इससे पहले आपने और भी बजट स्मार्टफोन्स में सुना होगा, MediaTek Helio G35 गेमिंग प्रोसेसर। यस एग्जैक्टली, यहाँ पर आपको टेक्नो स्पार्क 8T में भी एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है, विच इज़ द Helio G35, एंड आई थिंक 8,999 के प्राइस पर ये एब्सोल्युटली जस्टिफाइड है। यहाँ पर आप टेक्नो स्पार्क 8T में एक लैग फ्री परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि ज़्यादा बजट फोन्स में देखने को नहीं मिलता, बिकॉज Helio G35 यहाँ पर हाइपर इंजन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अगर मैं यहाँ पर इनिशियल इंप्रेशन की बात करूँ अबाउट द परफॉर्मेंस, तो वो मैं बढ़िया ही बोलूँगा, मैंने कुछ गेमिंग भी ट्राई करके देखी, एंड ऐसा कभी भी मुझे नहीं लगा कि बहुत अटक रहा हो, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो इजी वर्ड्स में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप परफॉर्मेंस पर रिलाय कर सकते हो, कुछ इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है, बट हाँ प्राइस के हिसाब से एकदम जस्टिफाइड है। एंड नाउ द फाइनल रीजन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी यूनिक है, एंड आई एम श्योर इससे पहले आपने किसी और बजट फोन में तो नहीं देखा होगा, विच इज़ द DTS साउंड सपोर्ट, एंड साथ ही में टेक्नो का डेडिकेटेड सो प्ले 2.0, जो कि आपको
टेक्नो स्पार्क 8T में देखने को मिलता है एंड आई एम श्योर इतना बढ़िया है कि आपने इससे पहले किसी और फोन में ये एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 8T में आपको काफी सारे अलग अलग ऑडियो फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा DTS साउंड की, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल साउंड प्रोफाइल्स देखने को मिल जाती हैं। एंड दैट्स नॉट इट, यहाँ पर एक डेडिकेटेड ऐप है जिसका नाम है सोप्ले 2.0, जिससे कि आप मल्टीपल ऑडियो फीचर्स यूज करके अपने अंदर के म्यूजिक प्रोड्यूसर को जगा सकते हो। इस ऐप में वॉइस रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है, आप नया म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो, आप रिंगटोन इंस्टेंटली बना सकते हो। एंड दैट्स नॉट इट, इस ऐप को चलाने के लिए आपको इंटरनेट भी नहीं चाहिए। एंड आई एम श्योर इतनी ज्यादा ब्रांड्स इस प्राइस रेंज पर ऑडियो एक्सपीरियंस पर फोकस नहीं करती, तो आई रियली अप्रिशिएट कि टेक्नो ने यहाँ पर 8,999 में आपको ये ऑफर किया है। सो दोस्तों, फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15,000 की रेंज में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। स्पेशली अगर मैं यहाँ पर इंडियन स्मार्टफोन मार्केट की बात करूँ, तो यहाँ पर बजट एंड मिड रेंज सेगमेंट पर काफी ज्यादा फोकस किया जाता है, तो इसीलिए कोई एक फोन रेकमेंड करना काफी मुश्किल होता है। बट फिर भी एट द प्राइस ऑफ ₹8,999 मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ टेक्नो स्पार्क 8T, क्योंकि यहाँ पर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है, एक इंप्रेसिव बैटरी लाइफ मिलती है, अमेजिंग ऑडियो एक्सपीरियंस है। एंड दैट्स नॉट इट, यहाँ पर एक काफी सॉलिड एंड स्टर्डी डिजाइन भी देखने को मिलता है। एंड ऑब्वियसली कैमरा कैसे मिस आउट कर सकते हैं, 50 megapixel कैमरा एट जस्ट ₹8,999। बाकी आपको कैसा लगा टेक्नो स्पार्क 8T, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर पसंद आई वो वीडियो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। एंड वीडियो खत्म करने से पहले राजकुमार राव की आवाज में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।